नमस्कार प्यारे बच्चों, मैथ्स विद पीके में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, राजस्थान बोर्ड आरबीएससी बोर्ड क्लास 12 मैथ्स में चैप्टर 7 हमने स्टार्ट कर रखा था, डिफरेंशिएशन अवकलन। इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। 7 क्वेश्चन हैं, सभी का सोल्यूशन देखेंगे। नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। किसी भी पॉइंट के ऊपर दिक्कत हो कमेंट करें, और किस पॉइंट के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए उसके ऊपर भी आप लोग कमेंट कर सकते हो। और टेलीग्राम में आप लोगों को जाना है, मैथ्स विद पीके सर्च करना है, ज्वाइन करना है चैनल ग्रुप, बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। नोट्स वगैरह मिलते रहेंगे वहीं पे, और फ्री होंगे नोट्स और क्वालिटी नोट्स होंगे वो मिलेंगे आप लोगों को। चैप्टर 1 और 3 के तो अपलोड हो चुके हैं, ठीक है जी। तो टेलीग्राम में जाइए, सर्च कीजिए मैथ्स विद पीके, और चैनल और ग्रुप दोनों को ज्वाइन कीजिए। पीछे की वीडियोज़ देखने हैं तो ऊपर आए के निशान पर क्लिक करके देख सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन से देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन है 7 और सभी में डेरिवेटिव निकालना है जी एक्स के रिस्पेक्ट में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, इसमें दो क्वेश्चंस दे रखे हैं ए और बी। ए की बात करें तो मैंने यहाँ पर वाई बराबर ले लिया इस फंक्शन को, साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर डेरिवेटिव निकालने के लिए इस फंक्शन का डोमेन डिफाइन कर रखा अलग से, है ना। एक्स बिलोंग्स टू -1/√2 से 1/√2 का ओपन इंटरवल डोमेन डिफाइन कर रखा है। तो अगर हम प्रतिस्थापन विधि काम में लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड काम में लेते हैं, तो हमें थीटा भी डिफाइन करना पड़ेगा। सही बात है जी, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड काम में आने वाला है। अगर मैं एक्स की जगह साइन थीटा पुट कर दूंगा तो अंदर की जो वैल्यू है 2x√1 − x² ये वाली वैल्यू, तो यहाँ पर फॉर्मूला बनने वाला है साइन 2 थीटा का। जिनको त्रिकोणमिति के, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के सारे फॉर्मूलाज पता हैं उनको दिक्कत नहीं आने वाली कहीं भी, और जिनको नहीं पता है उनको भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ सब कुछ, टेंशन नहीं लेना। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं x बराबर साइन थीटा लेता हूँ तो थीटा बराबर हमें लास्ट में पुट करना होता है साइन इनवर्स x बनेगा ना, यहाँ से वो पुट करना पड़ेगा। इनवर्स का फंक्शन बनाया हमने थीटा के बराबर में, तो आपको पता है इनवर्स के फंक्शन में रेंज जो होती है वो होती है छोटी। सही बात है जी, बाईजेक्शन हम बनाते हैं, हमने चैप्टर 2 में देखा हुआ है ना सारा काम, वो तो उसमें रेंज छोटी हो जाती है। और थीटा बराबर ये वैल्यू आ गई, इनवर्स का फंक्शन आ गया, तो थीटा हमें डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि थीटा की कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती ना यहाँ पे। तो थीटा क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स के बराबर है। साइन और इनवर्स एक्स का मीनिंग ये है कि ये साइन का जो इनवर्स का फंक्शन है इसकी रेंज, इसकी रेंज देखिए, पहले रेंज होती है इसकी -π/2 से π/2 तक। डेरिवेटिव की बात हो रही है तो हम कहेंगे ये दो पॉइंट हमने निकाले थे ना, वो डेरिवेटिव निकाले थे हमने, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज निकाले थे ना, वो वीडियो देखा था अलग से, है ना, उसमें ये दो पॉइंट हमने हटाए थे, तो यहाँ भी हटाना पड़ेगा डेरिवेटिव निकालना है। तो थीटा जो बिलोंग करेगा किससे, -π/2 से π/2 का ओपन इंटरवल से। सही बात है जी, ये दोनों पॉइंट नहीं आएंगे। पुट कीजिए अब, तो y बराबर साइन इनवर्स 2 sin θ √1 − sin² θ। 1 − sin² θ क्या होता है, cos² θ, पता है ना ये फॉर्मूला, cos² θ + sin² θ = 1, तो cos² θ = 1 − sin² θ। सही बात है जी, तो पुट करेंगे तो y बराबर साइन इनवर्स 2 sin θ, अंदर बन गया रूट के अंदर cos² θ, स्क्वायर से रूट चला जाएगा। सही बात है जी, तो y बराबर साइन इनवर्स 2 sin θ। ये छोटी छोटी बातें हैं, यहाँ पर सीधा ही होना चाहिए था कि सीधा फॉर्मूला होना चाहिए था साइन 2θ का, लेकिन सब कुछ बताता हूँ मैं तो आपको पता ही है, 2 sin θ और ये हो गया cos θ। अब ये फॉर्मूला बन गया 2 sin θ cos θ, क्या होता है sin 2θ। सही बात है ये भी, तो y बराबर साइन इनवर्स sin 2θ। अब हम साइन इनवर्स और साइन को काट सकते हैं, तो हमें 2θ की वैल्यू बतानी पड़ेगी, क्योंकि 2θ आएगा y के बराबर। ध्यान से सुनिएगा, 2θ आएगा y के बराबर। y किसके बराबर था, साइन इनवर्स के फंक्शन के बराबर था। साइन इनवर्स का जो फंक्शन होता है उसकी रेंज -π/2 से π/2 के बीच में डेरिवेटिव निकालने की टाइम होती है। सही बात है जी, तो यहाँ पर उस हिसाब से देखें तो थीटा क्या आएगा, तो देखिए x की वैल्यू से शुरू करते हैं,
तो अक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है, यहाँ से भी देख सकते हो एकदम, है ना, और एक्स की वैल्यू से भी देख सकते हो कि एक्स की वैल्यू -1/√2 से 1/√2 के बीच में है, और एक्स को हम एक्स को क्या लिया, साइन थीटा लिया, पुट कर दीजिए। तो -1/√2 तो साइन में वैल्यू क्या होती है, ये साइन π/4 में होता है ना, 1/√2 साइन -π/4, सही बात है जी। और यहाँ से हम कहेंगे एक्स की जगह साइन थीटा, और ये हो गया साइन π/4, सही बात है जी। तो थीटा क्या आएगा, यहाँ से हम बोलेंगे कि -π/4, साइन को हटाएंगे तो -π/4 से π/4 के बीच में आएगा थीटा, सही बात है जी। तो ये थीटा हमने डिफाइन कर दिया, देखिए पहले हमने जो डिफाइन किया था ना वो साइन इन्वर्स एक्स के फंक्शन के हिसाब से डिफाइन किया था ना, -π/2 से π/2। अब ये जो ऊपर इंटरवल था ना, इसके बीच में ये वैल्यू आती है ना, बाहर चली जाएगी तो फिर वो सब्स्टिट्यूशन मेथड काम नहीं करेगा। ओके, तो ये ध्यान रखें। अब 2 थीटा यहाँ पर, वही 2 थीटा जो है वो साइन इनवर्स का फंक्शन के रूप में है ना, जैसे मैंने बताया कि वाई के बराबर आएगा ये कटेगा, तो इसकी रेंज देखिए सेम आने वाली है, वही -π/2 से π/2 के बीच में आने वाली है। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -π/2 से π/2 के बीच में आएगा ना, 2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे तो 4 से कटेगा, नीचे 2 आएगा, सही है जी। ये हमने 2 थीटा डिफाइन कर दिया, एकदम सही है ये। ओके, ये क्यों किया है अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, मैंने बोला था ना सारे एंगल देखा करो। ये हमने इसलिए किया है कि y के बराबर 2 थीटा बनने वाला है, कि हम साइन इनवर्स को साइन से काटने वाले हैं। तो y एक्चुअल में बराबर किसके था, y एक्चुअल में बराबर था साइन इनवर्स वाले इस फंक्शन के बराबर। इसकी जो रेंज होती है वही 2 थीटा की वैल्यू आनी चाहिए थी ना, वही आ रही है देखिए यहाँ पे, सही है ना। तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि अलग चले जाए, बात समझ आ गई। तो अब यहाँ पर आते हैं जी वापस, और ये ऊपर जो ये वैल्यू थी इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहीं से स्टार्ट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से y बराबर साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, और यहाँ से अब हो जाएगा 2 थीटा, ये कटेगा क्योंकि हमने 2 थीटा को बता दिया जी कि 2 थीटा जो है वो एक्चुअल में रियल में -π/2 से π/2 के बीच में ही है, बता दिया ना, ये बता रखा है यहाँ पे, और y यही होना चाहिए था, सही कहा ना मैंने। बस अब एक बार ही बताऊंगा, आगे मैं बार बार ये बात नहीं बोलने वाला, बात समझ आ गई ना क्या कर रहे हैं हम। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू पुट कीजिए, तो वाई बराबर 2 थीटा क्या था, साइन इनवर्स एक्स हो गया जी। अब डेरिवेटिव कर दीजिए, आप लोग यूँ लिखना चाहें तो बेटर होगा, एक्सरसाइज का सोल्यूशन चल रहा है तो यूँ लिख दीजिए कि एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं ना, तो डिफरेंशिएशन DIFF विद रिस्पेक्ट टू एक्स WR, ऐसे होता है क्या, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा ऐसा लिख दीजिए। उसके बाद में DY/DX इज इक्वल टू, 2 तो कॉन्स्टेंट है, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव D/DX साइन इनवर्स एक्स क्या होता है जी, 2 तो बार कॉन्स्टेंट, और ये वैल्यू होती है 1/(1 − x²) का रूट। ये हो गया आपके पास में फाइनली डेरिवेटिव, सही है जी। अब देखिए फर्स्ट में बी नंबर, साइन इनवर्स 3x − 4x³, एक्स बिलोंग्स टू यहाँ पर -1/2 से 1/2 के ओपन इंटरवल के बीच में, चलिए आते हैं जी वाई बराबर ले लेते हैं इसको। वाई बराबर लिया साइन इनवर्स 3x − 4x³। ज़रा आप लोग में से कोई बताएगा मुझे कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 3 sin θ − 4 sin³θ, यही होता है ना। अगर मैं एक्स की जगह यहाँ पर पुट कर दूँ क्या साइन थीटा, तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा, और यहाँ पर तो डोमेन भी डिफाइन कर रखा है जी, तो हमें थीटा भी बताना पड़ेगा, बता देंगे क्या दिक्कत है। तो एक्स बराबर मैं लेता हूँ साइन थीटा, तो थीटा बराबर आएगा यहाँ से साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ से हम देखें तो साइन इनवर्स एक्स है तो थीटा बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 के ओपन इंटरवल के बीच में। यहाँ से आप लोगों का एक काम हो जाएगा कि ये जितने भी इनवर्स के फंक्शन हैं ना, उनकी रेंज डोमेन ये सब आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएंगे, चैप्टर 2 में दिक्कत नहीं आएगी, होंगे ना याद यहाँ से। तो ये हम पुट करेंगे तो आपके पास में आएगा y बराबर साइन इनवर्स
थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा, और ये फॉर्मूला वाई बराबर साइन इनवर्स साइन थ्री थीटा। यहाँ से साइन इनवर्स को साइन से काटेंगे तो अंदर बचेगा थ्री थीटा, उसको डिफाइन कीजिए, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाइए ना। अब आपको पता है कि माइनस वन बाई टू से अगर जो वो वन बाई टू के बीच में है, सही कहा ना मैंने? ज़रा आप में से कोई मुझे बताएगा कि अक्स की जगह मैं पुट करूँ साइन थीटा, तो साइन में माइनस वन बाई टू और वन बाई टू क्या होता है? साइन माइनस पाई बाई सिक्स होता है ना, साइन तीस की वैल्यू वन बाई टू होती है, तो माइनस साइन माइनस पाई बाई सिक्स अक्स की जगह साइन थीटा, और ये हो गया साइन पाई बाई सिक्स, सही है जी। तो यहाँ से हम कहेंगे कि थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस पाई बाई सिक्स से पाई बाई सिक्स, सही है जी। वैल्यूज़ तो और भी होती हैं माइनस वन बाई टू और वन बाई टू की, लेकिन हमें ध्यान रखना है थीटा का, कि ये इस रेंज का ध्यान रखना है, इसके बीच में आना चाहिए मान, बीच में आ रहा ना। अब थ्री थीटा क्या हो जाएगा जी? थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, सही कहा ना मैंने? तो ये रेंज, ये देखिए साइन इनवर्स की रेंज है थ्री थीटा, जैसा मैंने बताया था यहाँ पे, ये साइन इनवर्स का फंक्शन है, तो सही है जी। अब इक्वेशन फर्स्ट पे आते हैं जी, हमने थ्री थीटा बता दिया जी, इससे एकदम सही कर रहे हैं हम। ये थ्री थीटा जो है वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में होना चाहिए, उस हिसाब से थीटा जो माइनस पाई बाई सिक्स से पाई बाई सिक्स के बीच में होना चाहिए। तो वाई बराबर लास्ट में क्या आया था? साइन इनवर्स साइन थ्री थीटा, यहाँ पर अब काट सकते हैं जी, थ्री थीटा हमने डिफाइन कर दिया, तो ये आया थ्री थीटा। और थ्री थीटा क्या है जी? यूँ लिख दीजिए या फिर यूँ लिख दीजिए, यूँ कैसे? ऐसे कि थ्री थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू का ओपन इंटरवल, सही है जी। तो वाई बराबर थ्री थीटा साइन इनवर्स एक्स, और ये हो जाएगा डी आई डबल एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लिखेंगे तो अच्छा लगेगा और क्या, हालांकि सीधा भी कर सकते हैं, सीधा भी लिख सकते हैं डीवाई बाई डी एक्स, जैसा मैं पीछे करते आ रहा हूँ, अच्छा दिखाने के लिए हो रहा है ये काम। तो डीवाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? थ्री और डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, तो थ्री इंटू वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, इसको यूँ लिख दीजिए कि थ्री अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ये आपके पास में हो गया आंसर, क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी दो ही क्वेश्चन हैं और ए की बात करें तो ए बराबर, ए हो जाएगा वाई बराबर कोस इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स भी यहाँ पर डिफाइन कर रखा है माइनस वन से वन था। यहाँ पर देखिए अंदर जो वैल्यू है टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसको देखिए आप लोगों ने एक फॉर्मूला देखा हुआ है कि साइन टू थीटा का टेन के रूप में टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा देखा हुआ है क्या? तो अगर मैं एक्स की जगह टेन थीटा पुट कर दूंगा तो साइन टू थीटा बन जाएगा अंदर वाली ये जो वैल्यू है ना, तो एक्स बराबर मैंने ले लिया टेन थीटा, डोमेन डिफाइन कर रखा है तो थीटा भी बताना पड़ेगा, थीटा की वैल्यू लास्ट में पुट करते हैं टेन इनवर्स एक्स, इनवर्स का फंक्शन है, तो थीटा क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स एक्स है, उसका डोमेन और रेंज देखिए, रेंज देखना हमें, तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है ना, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, तो ये आपके पास में वैल्यू हो गई थीटा की, ये चेंज हो गया आगे, अभी फ़िलहाल के लिए टेन इनवर्स एक्स के हिसाब से ये वैल्यू है, सही कहा ना मैंने? इस फंक्शन के हिसाब से आगे हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो हम पुट करेंगे तो वाई बराबर कोस इनवर्स थीटा की एक्स की जगह टेन थीटा पुट कीजिए, टू टेन थीटा अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये साइन टू थीटा, कोस इनवर्स साइन टू थीटा, बाहर कोस इनवर्स अंदर साइन, तो चेंज करना पड़ेगा, या तो कोस इनवर्स को चेंज कीजिए या साइन को चेंज कीजिए, तो दोनों ही आपके पास मेथड हैं कि कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स बराबर आप लोगों ने फॉर्मूला देखा हुआ है क्या होता है? पाई बाई टू, ये नंबर फर्स्ट, या फिर यहाँ से कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा ना, वो पुट कर देंगे, या फिर आप लोगों ने देखा हुआ है कि साइन को कोस में कन्वर्ट कर लो, आपको पता है कि कोस पाई बाई टू माइनस थीटा साइन थीटा होता है ना, और यहाँ पर टू है तो टू थीटा है तो टू कर दीजिए यहाँ पर, तो ये साइन टू थीटा हो जाएगा, ठीक है जी। और ध्यान रखें कि अगर मैं पाई बाई कोस पाई बाई टू प्लस टू थीटा लूँगा ना, तो वो माइनस में आएगा,
क्योंकि पाई बाई टू और प्लस करते ही ये दूसरे क्वाड्रेंट में आ जाएगा कोस, दूसरे क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है तो माइनस साइन टू थीटा आएगा उस हिसाब से। तो हमें तो यहाँ पर साइन टू थीटा चाहिए है ना, तो यहाँ पर प्लस वाली वैल्यू साथ में नहीं ले सकते। जैसे हमने एग्जाम्पल भी लिया था ना, एग्जाम्पल नंबर 7 था क्या, वो कौन सा था, उसमें लिया था ना प्लस माइनस दोनों एक साथ में। तो दोनों हिसाब से निकाल लीजिए। मैं यहाँ पर कोस इनवर्स सी ए वाली वैल्यू पुट करके देखता हूँ जी। तो वाई बराबर कोस इनवर्स, और ये अंदर की वैल्यू जो ये एक्स को डिफाइन करेगी, सही कहा ना मैंने, बाहर कोस इनवर्स अंदर की वैल्यू एक्स को डिफाइन करेगी। तो पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स कौन है, साइन टू थीटा, सही कहा ना मैंने। अब अगर मैं काटने वाला हूँ साइन इनवर्स को साइन से, तो मुझे टू थीटा बताना पड़ेगा ना। टू थीटा बताइए, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दीजिए। आपको पता है कि एक्स जो है वो माइनस वन से वन के बीच में है, एक्स टेन थीटा था, तो माइनस वन टेन में वैल्यू होती है टेन माइनस फाइव बाई फोर की, रेंज के हिसाब से लेना है ठीक है ना, क्योंकि एक्स बराबर टेन थीटा है तो थीटा आ रहा है यहाँ पर, थीटा इनवर्स का फंक्शन बनेगा। तो ऐसा नहीं है कि माइनस वन, बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं कि टेन में, वो नहीं ले सकते हम ना, टेन इनवर्स की रेंज के हिसाब से। और ये हो गया टेन पाई बाई फोर मुख्य मान के हिसाब से। यहाँ पर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, थीटा किससे बिलोंग करेगा, माइनस पाई बाई फोर से, पाई बाई फोर थीटा मैंने बता दिया, टू थीटा बताइए। तो टू से मल्टीप्लाई करते ही पाई बाई टू से, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, सही कहा ना मैंने। थीटा से हम बता रहे हैं तो इक्वेशन फर्स्ट पे आइए। वाई बराबर पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स साइन टू थीटा, साइन इनवर्स से साइन को काट दीजिए, अब टू थीटा आप लोगों ने बता ही दिया है। तो पाई बाई टू माइनस टू थीटा, और टू थीटा क्या है, टू थीटा बिलोंग कर रहा है जी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू का ओपन इंटरवल से, सही है जी। और पाई बाई टू माइनस टू थीटा, ये जो वैल्यू है पूरी, ये किससे बिलोंग करेगी, कॉस इनवर्स है ना, ये वाई के बराबर है, और ये वैल्यू भी लास्ट में वाई के बराबर ही है। तो कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है, कॉस इनवर्स की रेंज 0 से पाई, और 0 और पाई ये दोनों पॉइंट हम नहीं लेते हैं, तो 0 से पाई का ओपन इंटरवल से बिलोंग करेगी वो, सही बात है ना। हर पॉइंट को देखा करो, हर पॉइंट को। तो यहाँ पर अब हम कर देंगे वैल्यू पुट कर देते हैं, पहले थीटा की। तो पाई बाई टू माइनस टू थीटा कौन था, टेन इनवर्स एक्स था क्या, टेन इनवर्स एक्स ये रहा जी, ये रहा, ये रहा, पुट किया हमने। तो अब डेरिवेटिव कर दीजिए, डी आई डबल एफ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू का 0 माइनस टू टेन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस टू अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब कई बच्चे एकदम फटाक से आंसर निकाल लेते हैं दो ही स्टेप में है ना, तो वो तो महाज्ञानी है, उनका तो क्या करना, क्लियर है जी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में, बी नंबर, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स यहाँ पर 0 से 1 के ओपन इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, तो वाई के बराबर ले लीजिए कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। ये वैल्यू देखते हुए मुझे एक फॉर्मूला याद आ रहा है, कोस टू थीटा का 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है जी, बिल्कुल होता है। एक्स की जगह मैं टेन थीटा ले लूँ तो क्या बात बनेगी, कोस थीटा का फॉर्मूला बनेगा ना, और क्या। तो थीटा बराबर यहाँ से हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स है तो थीटा बताना पड़ेगा, ऊपर डोमेन बता रहा है जी, थीटा को बता दीजिए माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। ये वाली जो वैल्यू है ना यहाँ पे, ये तो आप किसी भी फंक्शन में बता सकते हो ठीक है ना, कि यहाँ पर डोमेन डिफाइन कर रखा हो नहीं कर रखा हो बता सकते हो, और डोमेन डिफाइन ना कर रखा हो फिर ना बताओ तब भी कोई बात नहीं है। ओके, कुछ समझ में आया क्या मैंने क्या आराम कथा बोली। तो यहाँ से देखिए, पुट कीजिए वाई बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, एक्स की जगह पुट कर रहे हैं जी टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये बन गया फॉर्मूला कोस टू थीटा का। तो कोस इनवर्स कोस टू थीटा, कोस इनवर्स से कोस को काटने के लिए टू थीटा बताइए जी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। तो एक्स यहाँ पर 0 से 1 है जी, एक्स बराबर यहाँ पर कौन है टेन थीटा, तो टेन 0 0 होता है, और टेन पाई बाई फोर 1 होता है, सही है जी। थीटा हो जाएगा आपके पास में 0 से पाई बाई फोर, तो टू थीटा क्या होगा, टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से पाई बाई टू हो जाएगा टू थीटा, सही कहा मैंने, टू थीटा बता दिया। तो आप काट दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, वाई बराबर कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा,
यहाँ से वाई बराबर हो जाएगा 2 थीटा। 2 थीटा आप लोगों ने बता ही रखा है जी, किससे बिलोंग करता है, 0 से π/2 का ओपन इंटरवल। घबराने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर देखिए 2 थीटा जो वाई के बराबर है, वाई जो वो कोस इनवर्स का फंक्शन है, कोस इनवर्स की जो रेंज होती है वो होती है 0 से π के ओपन इंटरवल से ना, उसी से ये वैल्यू बिलोंग कर रही है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। 0 से π/2 जो वो पाई, 0 से π के बीच में आता है, ठीक है ना, ये इक्वली आए, ऐसा कोई यहाँ पर ऐसा रूल नहीं होता है, क्योंकि डोमेन जो है कई बार छोटा ले ले, छोटा दे दे आपको, क्योंकि हो सकता है कि डोमेन इससे बड़ा हो डेरिवेटिव के लिए और आपको छोटा दे दे, तो वैल्यू छोटी आ सकती है, सीधी सी बात है। सही कहा ना मैंने, तो इस तरह से हम वैल्यूज़ निकालते हैं तो हमें पता चल जाता है, नहीं निकालोगे तो सीधा डेरिवेटिव करोगे पता चलेगा नहीं। तो यहाँ वाई बराबर 2 थीटा जो है वो टेन है ना, टेन इनवर्स अक्स, तो टेन इनवर्स अक्स है उसका डेरिवेटिव आपको पता है जी, खिलाड़ी हो आप लोग। तो DIFF डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू WRT अक्स DY/DX इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स अक्स। 2 तो कांस्टेंट, टेन इनवर्स अक्स का 1/1 + x² वैल्यू आई आपके पास में 2/1 + x², ये हो गया डेरिवेटिव आपका आंसर। क्लियर है जी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट नंबर में कोस इनवर्स 4x³ - 3x, और एक्स भी डिफाइन कर रखा है 1/2 से 1 का ओपन इंटरवल। अंदर की वैल्यू को देखते हुए मुझे एक फॉर्मूला याद आया cos 3 थीटा का, 4 cos³θ - 3 cos θ। अगर एक्स की जगह cos थीटा ले लूँ तो अपना काम बन जाएगा प्रतिस्थापन विधि से, है ना, तो एक्स बराबर cos थीटा लिया तो थीटा बराबर ये मैं मान माना ये सभी में लिखें जरूर, ठीक है ना, मैंने नहीं लिखा है, सभी में लिखें जी, ये यहाँ पे भी माना जी, सभी में लिखें, सभी में, ये मेरी थोड़ी मिस्टेक है जी, मुझे याद नहीं रहता ये माना वाला सपोज काम, सपोज वाला काम जो है ना, ये सभी में लिख लेना आप लोग, ठीक है जी, और नंबर फर्स्ट में भी लिख लीजिए, यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन ही काम आया था। थीटा बराबर हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स, और थीटा किससे बिलोंग करेगा, कोस इनवर्स एक्स किससे बिलोंग करता है, रेंज देखिए इसकी 0 से π तक होता है, लेकिन डेरिवेटिव के लिए 0 से π के बीच में होता है जी, थीटा 0 से π के बीच में बिलोंग करेगा। अब नीचे आइए, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो वाई बराबर कोस इनवर्स 4 cos³θ - 3 cos θ, एक्स की जगह कोस थीटा पुट कर दिया, ये फॉर्मूला बन गया cos³θ का, सही है जी। इसको काटने के लिए 3θ पहले डिफाइन कीजिए, 3θ यहाँ पर अक्स जो है वो 1/2 से 1 के बीच में है जी, और अक्स जो वो cos θ है, सही कहा ना मैंने, तो थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस में देखिए कोस की बात हो रही है ना, क्योंकि थीटा जो वो कोस इनवर्स का फंक्शन होगा, कोस की सारणी देखिए, कोस में क्या होता है कि इधर वैल्यूज़ बढ़ती हैं, तो यहाँ पर देखिए जैसे मैं 0 से π/2 तक की बात करूँ है ना, उसमें यहाँ वैल्यू बढ़ रही हैं और इधर घट रही हैं, है ना, साइन में वैल्यू बढ़ती है, सही है ना, और टेन में भी बढ़ती है, तो कोस में थोड़ी सी दिक्कत आती है जी, जब हम इंटरवल इनइक्वलिटी में इंटरवल डिफाइन करते हैं ना, तब दिक्कत आती है। कैसे आएगी देखिएगा, जैसे मैं आता हूँ वापस से वहाँ पे, तो इसमें जैसे मैं यूँ ले लूँगा ना इसको, तो थोड़ा सा वो रॉन्ग लगेगा, कैसे कि मैं इसको यूँ ले लूँ कि 1/2 जो वो कोस में वैल्यू होती है cos π/3 की, cos π/3 की होती है ना, देख लीजिए π/3 कोस में ये 1/2 रहा है ना, तो ये मैंने ले लिया, और यहाँ पर अक्स जो वो cos θ है, और 1 जो होता है वो cos₀ होता है, तो यहाँ से अगर आप लोग इसको काटोगे कि कोस को काट दूँ कि थीटा जो वो हो जाएगा यहाँ पर π/3 और 0 के बीच में, तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हो रहा है, थीटा π/3 से बड़ा 0 से छोटा। अब इसको संख्या रेखा भी देखोगे कि यहाँ पे π/3, यहाँ 0, π/3 से बड़ा 0 से छोटा, तो ये तो बन ही नहीं रहा अपना, जो क्या बोलते हैं इंटरसेक्शन जो होना चाहिए ना दोनों इंटरवल का, वो बन ही नहीं रहा, तो इंटरसेक्शन यहाँ पर कॉमन कुछ आएगा नहीं, है ना, तो कोस में हमको क्या करना होगा, हमें त्रिकोणमिति की जो सारणी होती है ना एंगल्स की, वो देखनी होती है, उसी हिसाब से हम
थीटा की वैल्यू बतानी होती है। यहाँ पर हम निकाल नहीं रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान रखें, थीटा की वैल्यू निकालते नहीं, हम बता रहे हैं केवल। निकाल तो हमारा काम जो है वो डेरिवेटिव निकालने का है, हमें तो इंटरवल बताना है कि अगर जो वो 1/2 से 1 के बीच में है तो थीटा किस में है, और 3 थीटा यहाँ पर बन रहा है तो वो किस में है ना, किस डोमेन में, किस इंटरवल में, सही कहा ना। तो अक्स बराबर कोस थीटा, ये कोस थीटा जो वो 1/2 से 1 के बीच में, कोस में वैल्यूज़ देख लीजिए, 1/2 जैसा मैंने बताया पाई बाई 3, और 1 जो वो 0, तो हमें 0 से पाई के बीच में ही देखना है, ठीक है ना, क्योंकि कोस इनवर्स की जो रेंज होती है ना वो 0 से पाई तक की होती है ना। तो यही है दोनों पॉइंट, आगे और कोई वैल्यूज़ और भी होती हैं वो हमें नहीं लेनी, जैसे ये 1/2 यहाँ पर भी आ रहा है ना, ये 1 ही आगे भी आएगा है ना कहीं ना कहीं, तो वो हमें नहीं देखना, हमें तो ये देखना है। तो 0 और हम कहेंगे यहाँ पर पाई बाई 3, तो थीटा जो है वो 0 और पाई बाई 3 के बीच में होगा, हमें बस बताना है, सही कहा ना मैंने। हम कहेंगे कि जी थीटा जो है वो किसे बिलोंग करेगा, अगर एक्स 1/2 से 1 के बीच में है तो थीटा 0 से पाई बाई 3 के बीच में होगा, सही ना। तो यहाँ से बोलेंगे थीटा बिलोंग्स टू पाई बाई 3, माफ कीजिए 0 पहले आएगा ना, 0 से पाई बाई 3 का ओपन इंटरवल, ये थीटा हमने डिफाइन कर दिया। अब हमें डिफाइन करना होगा 3 थीटा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 थीटा हो जाएगा, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई हो गया, 0 से पाई, कोस इनवर्स के हिसाब से बाहर नहीं जा रही, रेंज अंदर ही है, सही है ना। तो यहाँ पर 3 थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई हो गया जी, हो गया। तो अब आइए नीचे इक्वेशन फर्स्ट से, सही है ना, यहाँ पे वो इंटरवल के हिसाब से, ये जो इनिक्वलिटी है ना उसके हिसाब से ना चलिएगा, हमें वैल्यूज़ देखनी होती है कि वैल्यूज किसके बीच में हमें लेनी है उस हिसाब से। तो y बराबर कोस इनवर्स कोस 3 थीटा, यहाँ से ये हो जाएगा 3 थीटा, y बराबर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, और थीटा को 3 थीटा को बताना पड़ेगा जो हमने निकाला हुआ है, 0 से पाई लिख दीजिए। उसके बाद में y बराबर 3 थीटा की वैल्यू बता दीजिए, थीटा बराबर कोस इनवर्स एक्स, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि डी आई डबल एफ डिफरेंशिएशन डब्ल्यू आर टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लिख दीजिए फॉर्मलिटी के रूप में, और अब कर दीजिए नीचे डी वाई बाई डी एक्स बराबर 3 कॉन्स्टेंट है, कोस इनवर्स एक्स का होता है -1/(-x)² का रूट, तो -3/(-x)² का रूट आपका हो गया आंसर डेरिवेटिव, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के बी नंबर वैल्यू दे रखे कॉस इनवर्स 1+(x)/2 का होल रूट, संकेत भी दे रखा है कि एक्स जो हो कॉस थीटा ले सकते हो आप, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं एक्स बराबर कॉस थीटा नहीं, कॉस 2 थीटा लेने वाला हूँ, उससे भी काम बन जाएगा अपना। तो 2 थीटा बराबर बनेगा यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स, डोमेन डिफाइन नहीं कर रखा है तो कोई दिक्कत है नहीं, सीधा डेरिवेटिव निकाल दीजिए यहाँ पर। तो पुट करेंगे हम, तो वाई बराबर कोस इनवर्स 1+cos(2θ)/2 और इसका होल रूट। कोस 2θ का फॉर्मूला क्या होता है, 1+cos(2θ) बराबर क्या होता है, ये मैंने आप लोगों को बताया, 1+cos(2θ) या फिर 1+cos(θ) मान लीजिए। 1+cos(2θ) जो होता है वो होता है 2cos²θ, सही कहा ना मैंने, ये बनाया इधर तो कोस 2θ का फॉर्मूला बन जाएगा ना, 2cos²θ माइनस का 1 बन जाएगा। और अगर यहाँ पर कोस थीटा हम लेते तो 1+cos(θ) का फॉर्मूला बन जाता, तो यहाँ पर थीटा की जगह θ/2 बनता, 2cos²θ/2, बस इतना सा फर्क है, संकेत है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग वही वैल्यू लो, ठीक है ना, संकेत दिया गया आप लोगों को। तो y बराबर कोस इनवर्स और ऊपर वाली वैल्यू 2cos²θ और नीचे हो गया 2, यहाँ से y बराबर 2 से 2 ये तो काट दीजिए, तो y बराबर आ जाएगा कोस इनवर्स √cos²θ, स्क्वायर से रूट चला जाएगा तो वैल्यू बची कोस इनवर्स कोस थीटा, कोस इनवर्स से कोस को हटा दीजिए वैल्यू बची थीटा, थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 2θ बराबर था कोस इनवर्स एक्स, तो थीटा बराबर
कोस इनवर्स अक्स बाई टू, थीटा बराबर आ गया कोस इनवर्स अक्स बाई टू। बाई टू तो आपको पता है, ये वाई बराबर क्या आया कोस इनवर्स अक्स बाई टू। बाई टू तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो बाहर आ जाएगी। तो डी आई डबल एफ डब्ल्यू आर टी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ से हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू कॉन्स्टेंट कोस इनवर्स एक्स का माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। तो ये आपके पास में हो गया माइनस वन अपॉन टू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर आंसर हो गया जी। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन फोर के ए नंबर में यहाँ पर वाई बराबर सेक इनवर्स वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर माइनस वन दे रखा है, और एक्स भी डिफाइन कर रखा है जीरो से वन बाई रूट टू का ओपन इंटरवल। ये नीचे वाली वैल्यू को देखते हुए मुझे एक फॉर्मूला याद आ रहा है, और बाहर यहाँ पर सेक इनवर्स है तो कोस टू थीटा जो है उसका कोस के रूप में फॉर्मूला क्या होता है, टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन। एक्स की जगह कोस थीटा ले लूँ तो अपना काम बन जाएगा, एक्स बराबर यहाँ पर कोस थीटा लिया तो थीटा बराबर क्या होगा कोस इनवर्स एक्स। डोमेन डिफाइन कर रखा है तो थीटा भी बताना पड़ेगा, कोस इनवर्स एक्स है तो आपको पता है जीरो से पाई के बीच में ओपन इंटरवल लेना होगा। सही है जी। अब यहाँ पर आइए वैल्यू हम पुट करेंगे वाई बराबर से एक इनवर्स वन अपॉन टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये आपके पास में नीचे हो गया कोस टू थीटा सेक इनवर्स वन अपॉन कोस टू थीटा। वन अपॉन कोस क्या होता है, सेक होता है, इसलिए तो हमने कोस लिया है यहाँ पे कोस थीटा लिया है। तो ये तो कॉमन सी बात है कि वन अपॉन कोस जो वो सेक होता है, आप लोग टेंथ में पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना। यहाँ पर टू थीटा साथ में है तो टू थीटा साथ में आ गया। सेक इनवर्स से सेक को हमें काटना है तो टू थीटा बताना पड़ेगा जी। अक्स जो वो यहाँ पर बिलोंग कर रहा है जीरो से वन अपॉन रूट टू के बीच में। अक्स कौन है, अक्स आपके पास में कोस थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यूज़ देखिए, और इसकी जो यहाँ पर डेरिवेटिव में रेंज होती है उसके हिसाब से, इनवर्स के फंक्शन की जो रेंज होती है ना उसके हिसाब से हमें देखनी होगी मुख्य मान के हिसाब से। तो ज़रा आइए, जीरो कोस में जीरो वैल्यू जो होती है वो होती है पाई बाई टू पे, और वन अपॉन रूट टू जो होता है वो होता है यहाँ पर रूट टू बाई टू, वन अपॉन रूट टू होता है, ये होता है पाई बाई फोर। तो पाई बाई फोर से पाई बाई टू तक यहाँ पर थीटा होगा। सही बात है जी। तो यहाँ हम लिखेंगे कि थीटा जो है वो पाई बाई फोर से पाई बाई टू। सही है जी। और कोस में वैल्यूज़ हैं वो कि हम यहाँ से यूँ कह दें कि आप लोग ऐसे लोगे ना, हम यहाँ पर वैल्यू जो बतानी होती है, अगर आप लोगों ने ऐसा ले लिया कि कोस कोस में जो जीरो होता है वो कोस पाई बाई टू होता है, फिर आपने कह दिया ये कोस थीटा, फिर आपने कह दिया वन अपॉन रूट टू ये कोस पाई बाई फोर की वैल्यू होती है, तब ये गलत हो जाएगा। यहाँ से फिर आपने कह दिया कि कोस को हटा दीजिए तो ये गलत हो जाएगा कि पाई बाई टू से पाई बाई फोर के बीच में, है ना। ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा कि थीटा जो पाई बाई टू से बड़ा है। अब संख्या रेखा भी देखेंगे, पाई बाई टू ये यहाँ पे और ये पाई बाई फोर, पाई बाई टू से बड़ा और पाई बाई फोर से छोटा। पाई बाई फोर से छोटा होने का मीनिंग क्या है, लेफ्ट साइड में। पाई बाई टू से बड़ा होने का मीनिंग क्या है, राइट साइड में। तो यहाँ पर कॉमन तो कुछ आया नहीं, और ये इंटरवल जो वो इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन होता है तो फिर तो दिक्कत हो गई। तो हमें यहाँ पर वैल्यूज़ बतानी होती है, निकालना नहीं होता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए, इनइक्वालिटीज़ में यहाँ पर हम बता रहे हैं, सही है ना, कि अक्स जो वो जीरो से वन अपॉन रूट टू के बीच में है तो थीटा किसके बीच में होगा। थीटा आपके पास में आ गया यहाँ से, और थीटा आ गया तो हमें चाहिए कोस टू थीटा चाहिए, टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बाई टू से और पाई के बीच में। सही है जी। टू थीटा आपके पास में आ गया, टू से मल्टीप्लाई किया तो पाई बाई टू यहाँ हो गया पाई। अब इक्वेशन फर्स्ट पे आइए, इक्वेशन फर्स्ट पे आइए, इक्वेशन फर्स्ट है वाई बराबर सेक इनवर्स सेक टू थीटा, और यहाँ से हम काट देंगे सेक इनवर्स से सेक को तो टू थीटा बचा, और टू थीटा जो है वो पाई बाई टू से पाई के बीच में बिलोंग करेगा। और यहाँ पर सेक इनवर्स का फंक्शन है ना, उसकी रेंज क्या होगी पहले वो देख लेते हैं। सेक इनवर्स की रेंज होती है जीरो से पाई, और पाई बाई टू वाला पॉइंट हम हटा देते हैं,
और डेरिवेटिव की बात करें तो जीरो और पाई भी शामिल नहीं होते, तो जीरो से पाई का ओपन इंटरवल, उसमें उसमें से पाई बाई टू हम हटा देते हैं, तो जीरो से पाई ये होती है इसकी रेंज है ना डेरिवेटिव में सेक इनवर्स की, और पाई बाई टू हटा दीजिए, इसमें आ रही है टू थीटा की वैल्यू, क्योंकि ये वाई के बराबर में आ रही है वैल्यू ना, जीरो से पाई के बीच में आ गया, पाई बाई टू से पाई का ओपन इंटरवल आ रही है जी, पाई बाई टू इसमें है नहीं, यहाँ भी नहीं है, बिल्कुल आ रही है, सब ओके है, सब ओके है, तो काट दीजिए, ये हमने काट दिया, तो वाई बराबर टू थीटा आया आपके पास में, और टू थीटा यानी कि टू इंटू थीटा कोण कॉस इनवर्स एक्स, थीटा कोण कॉस इनवर्स एक्स, तो टू इंटू कॉस इनवर्स एक्स है ना, डेरिवेटिव कर दीजिए, डेरिवेटिव हो जाएगा डी आई डबल एफ डब्ल्यू आर टी एक्स, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू इंटू कॉस इनवर्स एक्स का बताइए माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, तो ये हो गया माइनस टू अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर का रूट आपका हो गया आंसर, क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर फोर के बी नंबर में देखिए वैल्यू दे रखी है कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स भी यहाँ पर डिफाइन कर रखा है जीरो से इन्फिनिटी, ऐसा एक क्वेश्चन हमने देखा था ना सेकेंड नंबर क्वेश्चन में, सेकेंड नंबर था देखिए कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, वहाँ पर डोमेन जो कुछ और था, छोटा डोमेन था, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा आ रहा है जी, तो आपको पता ही है फॉर्मूला वही बनने वाला है कि एक्स बराबर हम लेंगे टेन थीटा, तो क्या बनेगा थीटा बराबर यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, और थीटा बता दीजिए टेन इनवर्स एक्स है, तो टेन इनवर्स एक्स की रेंज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में, और यहाँ से इसको वाई के बराबर लेंगे तो वाई बराबर कॉस इनवर्स, और ये हो जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सही है जी, ये फॉर्मूला कॉस टू थीटा का जैसा वहाँ पे बना था, देखिए कॉस टू थीटा, सही है जी, तो कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा, और यहाँ कॉस इनवर्स से कॉस को हमें हटाना है तो टू थीटा बताना पड़ेगा, डोमेन कुछ और आ रहा है जी, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाइए। अब यहाँ पर आते हैं डोमेन पे कि जीरो से एक्स जो है वो इन्फिनिटी के बीच में, एक्स कौन है टेन है, तो जीरो से इन्फिनिटी के बीच में टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा में वैल्यूज़ देखिए यानी कि टेन में वैल्यूज़ देखिए, जीरो पे जीरो और अनडिफाइन मतलब इन्फिनिटी है ना, वो है पाई बाई टू, पाई बाई टू, तो हम कहेंगे कि थीटा जो वो जीरो से पाई बाई टू, सही बात है ना, थीटा जो वो जीरो से पाई बाई टू के बीच में, और हमें चाहिए टू थीटा, टू से मल्टीप्लाई किया तो टू थीटा हो जाएगा जीरो से पाई के बीच में, अब ये वैल्यू जो है ये जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन है ना उसके हिसाब से सूट करना चाहिए, कॉस इनवर्स उसकी रेंज क्या होती है जीरो से पाई के बीच में, तो सूट हो रहा है जी, ये सूट क्यों करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कटने वाला है ना, कॉस इनवर्स से कॉस कटेगा तो टू थीटा बचेगा वो वाई के बराबर है, और ये वैल्यू भी वाई के बराबर है मूल फंक्शन जो है, तो उसके हिसाब से आना चाहिए ना, बाहर नहीं जाना चाहिए उसके, तो यहाँ हम कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट से बना दी क्या, फर्स्ट इक्वेशन बना रखी है, तो इक्वेशन फर्स्ट से हम कहेंगे वाई बराबर कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा है, तो यहाँ पर टू थीटा आएगा ये, और टू थीटा जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, जीरो से पाई के ओपन इंटरवल से, इस हिसाब से इस वैल्यू के हिसाब से थीटा की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स एक्स पुट कर दिया हमने, टेन इनवर्स एक्स यही है, और अब हम कर देंगे डी आई डबल एफ डब्ल्यू आर टी एक्स, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू टेन इनवर्स एक्स का होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्या आंसर आया टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स भी आप लोग फिर से लिख सकते हो जी, ठीक है ना, अच्छा दिखाने के लिए कि एक्स जो वो जीरो से, अच्छा क्या लिखना ही चाहिए मेरे ख्याल में, तो क्योंकि डोमेन जो है डेरिवेटिव के लिए ये होना चाहिए इस फंक्शन, ये भी फंक्शन के रूप में आया ना उस हिसाब से, क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर फाइव के ए नंबर में देखिए यहाँ पर आपको वैल्यू दे रखी है वाई बराबर ले इसको साइन इनवर्स वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में वन माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस में कॉस इनवर्स वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये तो आपको पता ही है इसकी वैल्यू तो पाई बाई टू होगी,
क्योंकि साइन इनवर्स थीटा प्लस कोसाइन थीटा पर पाई बाई टू होता है, थीटा की जगह ये वैल्यू आ रही है, तो हम मान लेंगे इसको कि वन प्लस एक्स स्क्वायर अपन वन माइनस एक्स स्क्वायर बराबर थीटा अगर ले लेंगे तो अब बड़ा ही आसान हो जाएगा कि साइन इनवर्स थीटा प्लस कोस साइन इनवर्स थीटा ना प्लस कोस इनवर्स थीटा, ये हमने सपोज किया ना, माना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वैल्यू आपको पता है पाई बाई टू होती है, आप डेरिवेटिव कर दो, थीटा तो यहाँ से हट गया वैसे ही, डेरिवेटिव करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर वो लिख देना डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी इसकी जीरो, ये आपका आंसर हो गया, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव के सेकंड नंबर बी में, यहाँ पर वैल्यू दे रखिए कॉस इनवर्स टू एक्स प्लस टू कॉस इनवर्स रूट के अंदर वन माइनस फोर एक्स स्क्वायर, और संकेत भी दे रखा है जी टू एक्स बराबर कॉस थीटा, पुट कर दीजिए टू एक्स बराबर कॉस थीटा लेंगे, मान ले रहे हैं, माना है ना, सपोज कर रहे हैं, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स टू एक्स हो जाएगा, सही है जी। यहाँ से वाई बराबर क्या आएगा कॉस इनवर्स टू एक्स की जगह कॉस थीटा प्लस टू कॉस इनवर्स, और रूट के अंदर आ रहा है जी वन माइनस फोर एक्स स्क्वायर, फोर एक्स स्क्वायर को हम यूँ लिख सकते हैं क्या टू एक्स का होल स्क्वायर, टू का स्क्वायर फोर और आगे एक्स स्क्वायर, और टू एक्स कौन है कॉस थीटा के बाहर स्क्वायर लगेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, सही है जी। वाई बराबर ये कटा कॉस इनवर्स से कॉस थीटा बचा प्लस टू कॉस इनवर्स, या अंदर क्या आएगा रूट के अंदर साइन स्क्वायर, सही बात है जी, वन माइनस कॉस स्क्वायर, तो वाई बराबर स्क्वायर से ये रूट तो चला जाएगा तो थीटा प्लस टू कॉस इनवर्स साइन थीटा बचा, साइन थीटा को कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए बाहर कॉस इनवर्स बैठा है ना, तो यहाँ से वाई बराबर क्या आएगा थीटा प्लस टू कॉस इनवर्स, आपको पता है कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा होता है, यहाँ से वैल्यू क्या आएगी थीटा प्लस टू कॉस इनवर्स से कॉस चला गया अंदर है पाई बाई टू माइनस थीटा, टू को अंदर मल्टीप्लाई किया वाई बराबर थीटा प्लस टू पाई बाई टू माइनस टू थीटा, टू से टू गायब, टू से ये टू चला गया पाई बचा, तो वाई बराबर थीटा थीटा तो यहाँ पर आएगा नहीं, थीटा माइनस टू थीटा कितना होगा माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू कोस इनवर्स टू एक्स है ना, पुट कीजिए वाई बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स टू एक्स, सही है जी। अब कर दीजिए वो डी आई डबल एफ डब्ल्यू आर टी एक्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या आएगा यहाँ पर पाई का जीरो कॉन्स्टेंट है और ये पहले से माइनस लगा हुआ है, कोस इनवर्स में एक माइनस और आएगा, अंदर है टू एक्स, आपको पता है कोस इनवर्स में होता है क्या है कोस इनवर्स एक्स का डेस क्या होता है माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ये होता है ना, एक्स होता है तो नीचे एक्स, यहाँ पर टू एक्स, तो वन माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर और रूट, अंदर टू एक्स जो उसका भी डेरिवेटिव बनता है जी, वो आपके पास में फंक्शन है उसका भी बनता है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया और टू एक्स का हो जाएगा टू, तो टू अपॉन वन माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर फोर एक्स स्क्वायर उसका रूट, ये आपके पास में हो गया आंसर, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स के ए नंबर में वाई बराबर ले लेते हैं इसको टेन इनवर्स ए प्लस एक्स अपॉन में वन माइनस ए एक्स, संकेत दे रखा है कि एक्स की जगह टेन थीटा ले लीजिए, ए की जगह टेन एल्फा ले लीजिए, ले लेते हैं जी, तो माना एक्स बराबर टेन थीटा और ए बराबर टेन एल्फा हम लेंगे यहाँ पे, तो वाई बराबर क्या आएगा टेन इनवर्स टेन एल्फा प्लस टेन थीटा अपॉन में वन माइनस टेन एल्फा टेन थीटा, तो ये फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, फॉर्मूला है टेन एल्फा प्लस थीटा का, क्योंकि टेन ए प्लस बी क्या होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में वन माइनस टेन ए टेन बी, ए की जगह एल्फा आ गया बी की जगह थीटा आ गया, तो वाई बराबर टेन इनवर्स टेन एल्फा प्लस थीटा, टेन इनवर्स से टेन कटेगा तो वाई बराबर एल्फा प्लस थीटा, एल्फा प्लस थीटा है तो एल्फा और
थीटा, इन दोनों की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से हम कहेंगे कि थीटा बराबर क्या आएगा, थीटा बराबर आएगा टेन इन्वर्स एक्स, और अल्फा बराबर, अल्फा बराबर टेन इन्वर्स ए। सही है जी, सही है, तो सही है। और यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फा की जगह टेन इन्वर्स, टेन इन्वर्स ये ए होगा ना, टेन इन्वर्स ए होगा, टेन इन्वर्स ए, और थीटा की जगह टेन इन्वर्स एक्स। सही है जी, यहाँ से आप डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर टेन इन्वर्स ए। यहाँ पर अंदर कौन बैठा है, कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसका डेरिवेटिव तो नहीं होगा जी, नहीं होगा, तो ये तो जीरो हो गया, क्योंकि पहले इसका करेंगे फिर ए का करेंगे तो वो जीरो होगा ना। फिर प्लस टेन इन्वर्स एक्स का क्या होगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। जीरो को हटा दीजिए, यानी कि सीधा यूँ लिख दीजिए कि वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर सिक्स के बी नंबर में देखिए, टेन इन्वर्स टू की पावर एक्स प्लस वन अपॉन वन माइनस फोर की पावर एक्स, और यहाँ पर एक संकेत भी दे रखा है कि टू की पावर एक्स को टेन थीटा मान लीजिए, और टेन थीटा मानेंगे तो टेन टू थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा ना। तो एक्स बराबर इन टू की पावर एक्स बराबर हमें लेना होगा यहाँ पर टेन थीटा। सही है जी, तो ये लेंगे तो वाई बराबर यहाँ पर टेन इन्वर्स, देखिए टू की पावर एक्स प्लस वन जो है ना, इसको मैं यूँ ले लूँ टू की पावर एक्स इंटू में टू, पावर वन जो उसको मैंने अलग कर लिया, सही किया ना मैंने। तो यहाँ पर और नीचे अपॉन में वन माइनस ये फोर, फोर क्या होता है टू का स्क्वायर, तो टू का स्क्वायर बाहर एक पावर एक्स आई, तो यहाँ से टेन इन्वर्स और टू की पावर एक्स इसकी जगह तो टेन थीटा, एक बार इसको रहने देते हैं, रहने देते हैं इसको, अपॉन में यहाँ पर देखिए वन माइनस एक्स पावर को मैं अंदर ले लूँ और टू को ले लूँ बाहर, तो टू की पावर एक्स और उसकी पावर टू, ऐसे हो जाएगा ना। अब मैं यहाँ पर ये मानने वाला काम जो ये अब मैं नीचे करता हूँ जी, सही कर रहा हूँ ना, नीचे करता हूँ कि माना टू की पावर एक्स बराबर है टेन थीटा। सही है जी, और ये पूरा मैं बैलेंस बना देता हूँ इसका, ये हो गया जी बैलेंस। सही है, पुट करेंगे तो वाई बराबर टेन इन्वर्स टू की पावर एक्स की जगह टेन थीटा, टू मल्टीप्लाई में तो टू टेन थीटा, अपॉन में वन माइनस टू की पावर एक्स की जगह टेन थीटा, तो बाहर स्क्वायर तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये वैल्यू भी निकाल लेते हैं कि थीटा बराबर क्या होगा, टेन इन्वर्स टू की पावर एक्स। सही है जी, अब ये फॉर्मूला बन गया यहाँ पे टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, किसका, टेन टू थीटा का। सही कह रहा हूँ ना, यहाँ टेन इन्वर्स से टेन कटेगा तो वाई बराबर आया टू थीटा, थीटा की वैल्यू पुट कीजिए तो वाई बराबर टू इंटू में टेन इन्वर्स टू की पावर एक्स। अब टेन इन्वर्स के रूप में फंक्शन है तो वही अपना वही काम, डी आई डबल एफ डब्ल्यू आर टी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए टू तो कांस्टेंट है तो डी अपॉन डी एक्स टेन इन्वर्स, टेन इन्वर्स टू की पावर ये है एक्स। सही है जी, टेन इन्वर्स का आपको पता ही है टू बार कांस्टेंट, टेन इन्वर्स में वन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है, एक्स की जगह कौन आएगा टू की पावर एक्स उसका स्क्वायर, और आपको पता है कि टू की पावर एक्स जो वो खुद एक फंक्शन है तो उसका भी डेरिवेटिव बनता है जी। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू अपॉन में वन प्लस, देखिए टू की पावर एक्स उसका स्क्वायर क्या था, शुरुआत में हमने देखा था फोर की पावर एक्स है ना, उसको चेंज किया था हमने, फोर की पावर एक्स को चेंज किया था, ये देखिए टू की पावर एक्स उसकी पावर टू, तो यहाँ पर ये टू अपॉन वन प्लस फोर की पावर एक्स हो गया। यहाँ देखिए ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव आपको बताइए ना क्या होता है, वो होता है ए की पावर एक्स लॉग टू, लॉग ए होता है ना, यहाँ पे टू है तो टू आ जाएगा, तो टू की पावर एक्स ए की जगह टू है ना, टू की पावर एक्स लॉग टू, और ये टू की पावर
एक्स में ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक पावर बढ़ जाएगी ना इसकी, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा एक्चुअल में, 2 की पावर एक्स प्लस 1 लॉग 2 अपॉन में 1 प्लस 4 की पावर एक्स, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के ए नंबर में, साइन फिर 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल रूट दे रखा है, संकेत दे रखा है कि एक्स की जगह ले लीजिए कोस थीटा, एक्स की जगह मैंने कोस थीटा लिया तो थीटा बराबर क्या बनेगा, कोस इनवर्स एक्स, सही कह रहा हूँ जी। तो वाई बराबर क्या आएगा, साइन 2 tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और पूरे का रूट, सही है जी। 1 माइनस कोस थीटा आपको पता ही है, 2 cos² θ/2 काफ़ी बार बता चुका हूँ, 2 sin² θ/2 है ना, तो 2 tan इनवर्स 2 sin² θ/2, 1 प्लस कोस थीटा होता है 2 cos² θ/2, सही कह रहा हूँ ना। और ये रूट 2 से 2 ऊपर नीचे कटेगा, कट गया जी, और स्क्वायर से ये रूट भी चला जाएगा, सही कह रहा हूँ ना। तो वाई बराबर साइन 2 tan इनवर्स, और यहाँ देखिए ये रूट तो चला गया, साइन थीटा बाई 2 बटे कोस थीटा बाई 2 टेन थीटा बाई 2 होगा, सही है ना। तो यहाँ से देखिए वाई बराबर टेन इनवर्स से टेन ये गायब हो जाएगा, बचा क्या, साइन 2 θ/2, 2 से 2 गायब, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ बचा साइन थीटा, सही है जी, सही है। तो कर दीजिए इसका डेरिवेटिव और थीटा की जगह पुट कर दीजिए, कौन था थीटा की जगह, कोस इनवर्स एक्स, डेरिवेटिव करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन का होता है कोस, साइन का तो होता है कोस, डी अपॉन डी एक्स साइन कोस इनवर्स एक्स है, साइन का तो कोस होता है तो यहाँ पर हो जाएगा कोस, अंदर जो वैल्यू है एक्स की वैल्यू है कोस इनवर्स एक्स, लेकिन हमें कोस इनवर्स एक्स का भी करना होगा, सही कह रहा हूँ ना। तो कोस इनवर्स एक्स का क्या होता है जी, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, यहाँ देखिए कोस से कोस इनवर्स चला गया तो एक्स बचा, और कोस इनवर्स एक्स का होता है -1/(-x²) का रूट, तो वैल्यू क्या आएगी, -x/(-x²) का रूट, ये आपका हो गया आंसर। क्लियर है जी? अब देखो जी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में बी नंबर, कोट इनवर्स 1+x² का रूट प्लस एक्स, और संकेत भी दे रखा है कि एक्स बराबर टेन थीटा ले सकते हो, अगर मैं एक्स बराबर टेन थीटा लेता हूँ तो यहाँ पर बनेगा क्या, वाई बराबर कोट इनवर्स 1+tan²θ का रूट प्लस टेन थीटा, सही है जी। और थीटा की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, थीटा बराबर क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स, ये भी सही है। तो यहाँ से वाई बराबर कोट इनवर्स 1+tan² होता है sec²θ, उसका रूट प्लस टेन थीटा, सही ना। और यहाँ पर हो जाएगा कोट इनवर्स अंदर sec θ प्लस टेन थीटा प्लस tan θ, स्क्वायर से रूट चला गया जी, सीधी सी बात है, सेक और टेन को साइन और कोस में कन्वर्ट कर लें तो लास्ट में कोट के रूप में हम वैल्यू लेकर आ सकते हैं, 1/cos सेक हो गया और टेन हो जाएगा साइन अपॉन में कॉस, सही है जी। और इसकी वैल्यू तो हमने निकाली भी थी पहले ना, पाई बाई 4 के रूप में कुछ आई थी ना, θ/2 के पाई बाई 4 प्लस θ/2 के रूप में, चलिए फिर से देख लेते हैं। अब यहाँ से एलसीएम आएगा आप लोगों के पास में कॉस थीटा और ऊपर 1+sin θ, सही है जी। 1 की जगह मैं पुट करूँगा, 1 की जगह क्या पुट करूँ, cos²θ/2 प्लस sin²θ/2, साइन थीटा की जगह मैं लिखूँगा sin²θ/2। एग्जाम्पल 7 था शायद, उसमें हमने देखा था ये मान निकाला था लास्ट में, कोस थीटा को लिख सकता हूँ cos²θ/2, वैसे ये फॉर्मूलाज होते हैं सीधे ही, अब यहाँ पे ये सीधे ही काम में आते हैं, ये तो ऐसे बता रहा हूँ ना मैं,
ऐसे एकदम कोई बच्चे की तरह लग रहा है कि ये क्या कर रहा है ना, क्योंकि सब कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि ये कॉस थीटा का सीधा फॉर्मूला होता है, 1 + sin थीटा की वैल्यू आप सीधी पुट कर सकते हो और ये पूरी वैल्यू सीधी पुट कर सकते हो निकाल के रफ में। तो वाई बराबर कोट इनवर्स और ऊपर sin 2 θ/2, तो ये sin 2x का जो फॉर्मूला होता है ना उससे खोलेंगे, 2 sin x cos x, अक्स की जगह कौन आ रहा है, θ/2, अक्स की जगह θ/2, तो sin 2 θ/2 बराबर 2 sin θ/2 cos θ/2, सही है जी। और cos²θ/2 + sin²θ/2 ये कहाँ से आया बताया क्या, cos²θ + sin²θ बराबर 1 होता है, तो 1 की जगह ये पुट किया है, वैसे बनाया ना। और ये वैल्यू हो गई आपके पास में 2 sin θ/2 cos θ/2 अपॉन में cos²x का फॉर्मूला लगा दीजिए, cos²x का फॉर्मूला इसी हिसाब से, यहाँ पर ये प्लस आ रहा है ना, इसी हिसाब से लगा दीजिए, साइन और कॉस दोनों आ जाएं, तो cos²x - sin²x होता है ना इसका फॉर्मूला, तीन चार वैल्यूज़ होती हैं इसकी, अक्स की जगह θ/2, बस इतना ही तो है, अक्स की जगह कौन है θ/2 लगाएंगे, तो cos²θ/2 - sin²θ/2, सही है जी। यहाँ से ऊपर तो आपको दिखाई दे रहा है क्या क्या बन रहा है जी, ऊपर cos²/2 + sin²/2 का होल स्क्वायर, नीचे क्या बन रहा है, नीचे ये वैल्यू है ही, और इसको हम लिख सकते हैं cos²/2 + sin²/2 इंटू में cos²/2 - sin²/2, सही है जी। एक वैल्यू ये कट रही है जी, ये प्लस वाली ये कट जाएगी, कट गई, अब जो वैल्यू बची, ये सारा काम हमने किया हुआ है पहले, फिर भी बता रहा हूँ, कई बच्चे के आगे सीधी एक्सरसाइज ही देखते हैं, तो ऊपर आया cos²/2, इसलिए तो कहता हूँ कि एग्जाम्पल वगैरह थ्योरी वगैरह सब देखा करो, cos²/2 + sin²/2 ऊपर आ गया, नीचे cos²/2 - sin²/2, इसमें कॉमन ले लीजिए cos²/2, वो कट जाएगा ऊपर नीचे कॉमन लेंगे तो, और बचेगा क्या, 1 यहाँ 1 और प्लस में sin²/2 अपॉन में cos²/2, फिर अपॉन cos²/2, ऊपर नीचे भी कॉमन लिया तो 1 - sin²/2 अपॉन में cos²/2, ये हो गया 1 + tan²/2 अपॉन में 1 - tan²/2, तो वाई बराबर कोट इनवर्स 1 + tan²/2 अपॉन में 1 - tan²/2। अब यहाँ पर मैं 1 की जगह पुट कर सकता हूँ क्या, tan π/4, सही कह रहा हूँ ना, tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, और ये हो गया tan θ/2 अपॉन में 1 माइनस, और आप चाहें तो इसमें साइन कॉमन लेके कोस में कोट में वैल्यू बना सकते हो, क्योंकि बाहर है ना कोट, है ना, सीधी की sin θ/2 कॉमन लिया तो कोट में वैल्यू बन जाती, कोट वाला फॉर्मूला बन जाता, और कोट वाला याद ना हो, ज़्यादातर तो टेन वाला काम में आता, तो टेन टेन के हिसाब से कर लीजिए, तो यहाँ पर ये हो गया 1 माइनस, और ये tan θ/2 इसके मल्टीप्लाई में मैं 1 ले लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और 1 की जगह tan π/4 ले लूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा, सही बात है ना, tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कोट इनवर्स ऊपर आपके पास में ये देखिए tan π/4 + tan θ/2 अपॉन में 1 - tan π/4 tan θ/2, tan A + tan B अपॉन में 1 - tan A tan B, tan A + B का फॉर्मूला बनना है, सीधी सी बात यही है, A की जगह π/4 है, प्लस में B की जगह θ/2 है, सही कह रहा हूँ ना। अब यहाँ पर या तो कोट इनवर्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए, या पर टेन को कोट में कन्वर्ट कर लीजिए, तो मैं यहाँ पर कोट इनवर्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ, वो आपको पता ही है, π/2 - है ना, π/2 - tan इनवर्स, और अंदर ये वैल्यू आ जाएगी tan π/4 + θ/2, कोट इनवर्स के अंदर की ये वैल्यू एक्स की वैल्यू है ना, और कोट इनवर्स एक्स क्या होता है, कोट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स होता है π/2 होता है ना, तो ये इधर आएगा तो माइनस का कोट इनवर्स एक्स के बराबर हो गया, एक्स की जगह ये पूरी वैल्यू हम लिख रहे हैं, वो टेन इनवर्स में भी आएगी, टेन इनवर्स एक्स होता है ना, तो ये एक्स की जगह पूरी वैल्यू आ गई, सही है जी। और ये टेन इनवर्स से टेन चला जाएगा, तो वाई बराबर π/2 - π/4, इस माइनस को θ/2 से मल्टीप्लाई करेंगे,
तो माइनस थीटा बाई टू वैल्यू बची, पाई बाई टू में से पाई बाई फोर गया, पाई बाई फोर बचेगा और माइनस थीटा बाई टू, सही है जी, क्योंकि ये 90 है ये 45 है, 90 में से 45 जाएगा तो 45 भी बचेगा ना। अब कर दीजिए वही काम, डी आई डबल एफ डब्ल्यू आर टी एक्स यानी कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर पाई बाई फोर का जीरो, लेकिन थीटा की वैल्यू भी पहले लिख लीजिए, थीटा कौन था, थीटा कौन था, टेन इनवर्स एक्स है ना, टेन इनवर्स एक्स और अपॉन में बाई टू, तो पाई बाई फोर का तो जीरो गया, टेन इनवर्स एक्स में अपॉन में जो टू आ रहा है वो कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, टेन इनवर्स एक्स का होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपके पास में फाइनली वैल्यू आएगी वन अपॉन टू इंटू में वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर हो गया। तो यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियोज़ आप लोगों को जल्दी मिलेंगी, नया टाइम टेबल बनाया जा रहा है आप लोगों के लिए कि कौन से टाइम पर वीडियोज़ मिलें और किस बार को मिलें उसके लिए, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना नहीं किया हुआ है तो। साथ में आप लोगों को बता दूँ कि टेलीग्राम में ज़रूर जाना आप लोगों को, और टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन करना है जी, और पीछे की वीडियोज़ देखने तो ऊपर आगे निशान पर क्लिक करके देख लें, फॉर्मूलाज का वीडियो ज़रूर देख लें। थैंक यू सो मच।